थी अपनी सच्चाई प्रकट होने दे, अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। परमेश्वर के रहस्य बांटिए भाई भक्त सिंह के द्वारा। मई 17 पुनः प्राप्ति के रहस्य, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। रोमियो की पत्री 6:23। जो मनुष्य पाप करेगा वह मरेगा, यहेश्केल 18:41। कभी कभी हमें अचानक ही बड़ी हानि उठानी पड़ जाती है। दूसरा राजा 4:38 में अचानक एक बड़ा अकाल आ गया, कहीं खाने के लिए दाना नहीं था क्योंकि कोई वर्षा नहीं हुई थी, चारों तरफ सूखा पड़ गया था और कोई फसल नहीं थी, और लोगों को खाने के कुछ कुछ बटोरने के लिए यहाँ वहाँ भागना पड़ रहा था। उनके पास कोई चावल नहीं था, गेहूँ नहीं था और कोई सब्जी भी नहीं थी, वे कंद मूल पर जी रहे थे। आज के संसार की भी यही दशा है। एक तरफ तो लोग संसारिक ज्ञान धन संपत्ति या प्रगति पर घमंड कर रहे हैं, दूसरी तरफ वे पाप में जगहों में गंदगी और दूषण में सड़ रहे हैं। वे अपना कितना समय सिनेमा और दुष्टता से भरी जगहों में बिताते हैं, वे अपना कितना समय ऐसी अश्लील पत्रिकाएं पढ़ने में बिताते हैं जिन्हें वे साथ लेकर घूमते हैं। दूसरा राजा 4:39 में जब ये लोग जंगल में कंदमूल इकट्ठा करने गए थे तो वहाँ उन्होंने कुछ जंगली पौधे देखे। यह तो अनोखे पौधे हैं, वे बोले, आज हम कुछ अच्छा भोजन कर सकेंगे। उन्होंने वह पकाया और सबको परोस दिया, लेकिन जब वे उसे खाने लगे तो किसी समझदार व्यक्ति को यह नजर आया कि खाने में कुछ खराबी है। तब उसने पुकार कर कहा, हे परमेश्वर के जन, हंडे में मौत है, हम मरने वाले हैं क्योंकि हमने जहर खा लिया है, कुछ ही देर में हम मर जाएंगे। तब नबी की आज्ञा अनुसार हंडे में थोड़ा आटा डाला गया और जहर का असर खत्म हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ और मुझे खाने वाला हमेशा जीवित रहेगा। सिर्फ यही वह रोटी है जो आपके जीवन में पाप द्वारा घोले गए जहर को दूर कर सकती है।